सिंधिया रिची फ्रीलांस प्रोड्यूसर, हिदायतकार, स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट हैं। वो अमरीकी शहरी हैं और चंद वर्ष कबल पाकिस्तान तशरीफ लाई थी। वो पाकिस्तान में अपने तजुर्बात और अपने सफ़र पर मबनी एक ब्लॉग भी लिखती हैं, जिसे मजमूई तौर पर काफ़ी मस्बत रद्दअमल मिलता है। सिंथिया रिची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त डिजिटल झगड़ा चल रहा है और दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई पर उतरी हुई हैं। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सिंथिया रिची ने पाकिस्तानी अदाकारा उज़्मा खान की वायरल हुई वीडियो में मलिक रियाज की नवासी की जानिब से गार्ड्स को अदाकारा के साथ बदतमीजी करने पर उकसाया, जिसे देखकर सिंथिया ने बेनजीर भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाया कि मुझे ये वीडियो देखकर वो ज़माना याद आ गया जब बीबी अपने गार्ड से उन औरतों का जिंसी इस्तेहसाल करवाती थी जिनका आसिफ जरदारी से नाजायज ताल्लुक होता था। इस ट्वीट के बाद ऐसी बहस शुरू हुई है कि अब तक खत्म नहीं हुई और अब पीपल्स पार्टी के दीगर सियासी लीडरान भी सिंथिया के निशाने पर हैं। और सिंथिया की इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर फाल गैर मुल्की खातून सिंथिया रिची के खिलाफ विफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त जमा करवा दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर और एडवोकेट हाईकोर्ट शकील अब्बास की तरफ से दर्ज कराई इस शिकायत में कहा गया है कि एक खातून जो ट्विटर पर सिंथिया डी रिची के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने अपने अकाउंट से पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की सदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में इंतहाई तौहीन आमेज और बेहुदा तबसरे पोस्ट किए हैं। FIA को दी गई दरख्वास्त में शकील अब्बासी का मौकिफ है कि उनके झूठे, बेबुनियाद, बदनामी और बहतान पर मबनी ट्वीट से पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के चाहने वालों को बहुत दुख और तकलीफ पहुंची है। उन्होंने FIA से सिंथिया रिची के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनान और हामियों के अलावा दीगर सियासी शख्सियात और सारिफीन ने सिंथिया के इस दावे पर गम व गुस्से का इजहार किया है। इस सारी कार्रवाई के बाद सिंथिया भी चुप नहीं बैठी और पीपी को जवाब भी दिया, जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की सियासत को भी निशाना बनाया और कहा कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम नेहाद जमहूरियत पसंद लोगों की तरफ से मुझे दी जाने वाली मौत की धमकियों पर भी कार्रवाई की जाए। ऐसी धमकी आमेज कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी सिंथिया ने वक्तन फवक्तन ट्विटर पर शेयर किए हैं। बात यही नहीं रुकी बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रद्द अमल के बाद अमरीकी खातून ने कहा कि वो इस पार्टी को मजीद बेनकाब करेंगी। अगली ट्वीट्स में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के वजीर दाखिला रहमान मलिक पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने सिंथिया को उस वक्त जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जब वो अपने वीजे के मामले पर उनसे मिलने गई थी। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जनाब यूसुफ रजा गिलानी को भी सिंथिया को नामुनासिब तरीके से छूने पर अमरीकी सहाफी के इल्ज़ाम का सामना है। इन सारे इल्ज़ाम के नतीजे में सैनेटर रहमान की जानिब से एक जवाबी प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। सैनेटर रहमान के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक रहमान मलिक अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची के मनगढ़ंत, बेहुदा और नाजेबा अल्फाजात के जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं और उन्होंने अमरीकी खातून की तरफ से सेंटर रहमान मलिक पर लगाए गए मनगढ़ंत, बेहुदा और नाजेबा इल्ज़ाम की सख्ती से तर्दीद करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी खातून के इल्ज़ाम बदनीयती पर मबनी हैं, जिसका मकसद सेनेटर रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुँचाना है। अमरीकी खातून ने सेनेटर रहमान मलिक के खिलाफ नाजेबा इल्ज़ाम 10 साल बाद किसी मखसूस फर्द या ग्रोह के उकसाने पर लगाए हैं। अमरीकी फ्रीलांसर ने रहमान मलिक, यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शहाब पर इल्ज़ाम फेसबुक लाइव वीडियो में लगाए। सिंथिया रिची का दावा है कि ये वाकया उसी वक्त के आसपास पेश आया था जब एबटाबाद में अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई थी और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात साजगार नहीं थे। वो कहती हैं कि उन्होंने सन 2011 में अपने साथ पेश आने वाले मुबैना वाक़े से मुतल्लिक अमरीकी सिफारतखाने में किसी को बताया था, लेकिन अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने पेचीदा थे कि उन्हें मिलने वाला रद्दअमल ज़्यादा मुनासिब नहीं था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही हैं। सिंथिया रिची ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन धमकियां में इस पैगामात में से कई नंबर सऊदी अरब और मुतहदा अरब इमारात के हैं और वो बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के हिमायती थे और साथ ही वहाँ की हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया कि वो फौरी और बर वक्त इन मामलों से निमट रहे हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन भी इस पर मुनकसिम है और कोई ये सवाल कर रहा है कि सिंथिया को ये सब 10 साल बाद क्यों याद आया, तो कोई ये पूछ रहा है कि इस सब का हुकूमत पाकिस्तान उसको कितना पैसा दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंथिया की लफ्जी जंग जारी है और हर नए आने वाले दिन के साथ एक नई कहानी सामने आ रही है।